जय माता दी मित्रों अहोई अष्टमी का व्रत कब है 24 तारीख को है या 25 नवंबर को है इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे अहोई अष्टमी में, में पूजा पाठ कर सकते हैं और अहोई अष्टमी में अगर आपने ये तीन प्रयोग मित्रों कर लिए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी माता या मालामाल कर देंगी माता है तो ये तीन प्रयोग जरूर करने हैं चलिए चर्चा कर लेते हैं कार्तिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई तिथि का व्रत मित्रों रखा जाता है इस व्रत का पारण अगर देखा जाए तो तारे देखने के बाद यह चंद्रमा को अर्घ दे के कुछ महिलाएं करती है यानी कुछ जगह पे तारों को देख के तोड़ा जाता है कुछ जगह पे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यानी चंद्रमा के दर्शन के बाद यह व्रत खोला जाता है अहो अष्टमी जो व्रत होता है वो संतान की लंबी उम्र के लिए संतान की तरक्की के लिए संतान की खुशहाली के लिए ही करा जाता है ये याद रखिएगा तो पंचांग के अनुसार जो अष्टमी तिथि है वो 24 अक्टूबर को सुबह एक बज के मिनट से शुरू होकर और 25 अक्टूबर को सुबह एक बज के मिनट तक रहेगी यानी उदया मत के अनुसार उदया तिथि मता अनुसार 24 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत है यानी अहोई अष्टमी का अगर आपको व्रत करना है पूजा करना है पारण करना है तो 24 अक्टूबर ही श्रेष्ठ रहेगा अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से अहोई अष्टमी के अंदर पूजा पाठ करनी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होकर लाल कपड़ा इसमें विशेष से पहना जाता है उसके बाद आपको लकड़ी की चौकी लेनी है उस पर लाल वस्त्र बिछा के अहोई अष्टमी माता की आपको फोटो स्थापित करनी है जी हाँ अहोई अष्टमी माता की इसमें फोटो स्थापित की करनी ए, की जाती है या दीवार पे गेरू से अहोई अष्टमी का चित्र बनाया जाता है या अहोई माता बनाई जाती है याद रखिएगा साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है ओम श्री गणेशाय नमः ओम गंगणपते नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नम कुरु सर्व शर्वकारेशु सर्वदा ये सबसे तो पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले तो गणेश जी का नाम लेकर दीपक जलाएं धूप जलाएं याद रखेगा उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है तो हाथ में सीधे में थोड़ा जो रख ले थोड़ा तिल रख ले इक्कीस रुपए एक सौ एक रुपए रख ले और उसके बाद संकल्प रहे कि हे अहोई अष्टमी माता पार्वती माता शिव भगवान मैं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए खुशहाली के लिए ये व्रत करने जा रही हूँ कृपया इसमें कोई त्रुटि भूल चूक हो गया है तो अज्ञानी समझ के हमें माफ़ करें और हमारा ये व्रत सफल बनाए इस प्रकार का संकल्प आप छोड़ दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है ओम पार्वती देवी भ्याम नमा ये मंत्र बोलकर आहुई अष्टमी जो आहुई माता है उनको आपको तिलक लगाना है याद रखिएगा कुमकुम का तिलक उस फोटो पर आपको लगाना है चरचित्र पर आपको लगाना है उसके बाद फल फूल माला इत्यादि आपको चढ़ानी है बाकी जो पूजा है वो शाम को तारे के छाँव में होगी इसके बाद शाम को जब आ... तारे निकल जाएं जब आप देख लें बाहर जाके कि तारे आप निकल चुके हैं तो उस समय पे आपको अब आप यहाँ पर आपको बाकी शेष पूजा प्रारंभ कर देनी है इस समय पे आपको रात के समय में ओम पार्वती देवी भ्यामनमा ये मंत्र दोबारा बोल के दोबारा बोल लेता हूँ ओम पार्वती देवी भ्याममा ये मंत्र बोल कर आप अहोई माता को कुमकुम चढ़ाएँ लाल फूल आप चढ़ाएँ सोला श्रृंगार आप चढ़ाएँ चढ़ाना है फल फूल मिष्ठान आपको चढ़ाना है खासकर शाम के समय पे हलवा बना ले और वो माता को आपको चढ़ाना है उसके बाद आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा आती है वो वहाँ बैठ आपको मंदिर में बैठ उसका पाठ करना है अहोई माता की आरती करनी है उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है या तारों को अर्घ दे के तारों की और चंद्रमा की को दीपक धूप दिखा के उनकी पूजा करके उनका अर्घ दे के उनसे प्रार्थना करके उसके बाद ही आपको अन्न और जल ग्रहण करना है याद रखिएगा अब बात करते हैं मित्रों के अहोई अष्टमी में क्या तीन प्रयोग करना बड़ा सफलकारी होता है माला माल कर देता है तो अहवि अष्टमी के दिन गाय के बछड़े को अगर आप भोजन कराते हैं तो कहीं ना कहीं या संतान के हाथों से गाय को के बछड़े को रोटी खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके संतान के कष्ट दूर होते हैं संतान बाधा दूर हो जाती है संतान के जो भी कष्ट है उससे दूर होते हुए नज़र आते हैं दूसरा देखा जाए तो अहोई अष्टमी का जो पर्व है उस दिन अगर तुलसी का पौधा बाज़ार से खरीद कर घर पर लाया जाए उसकी पूजा पाठ की जाए उसको घर के आंगन में लगाया जाए तो सभी प्रकार के वास्तु दोष घर के दूर होने लग जाते हैं नेगेटिव एनर्जियाँ या कुछ भी नज़र बाधा या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है तो अहोई अष्टमी के दिन आप तुलसी का पौधा जरूर बाजार से खरीद के लाएं और उसको घर के अंदर स्थापित करें तीसरा देखा जाए कि आपको क्या करना अहोई अष्टमी के दिन एक लाल कपड़ा ले लेना है उसमें एक मुठ्ठी भर चावल डाल के उसमें एक चांदी का सिक्का डालने के बाद एक पोटली में गांठ बांध के एक पोटली बनानी है और आजकल ये पोटली बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत महंगा पैसों में भी बेच रहे हैं खैर आपको मैं फ्री में बता दूं एक पोटली आपको बनानी है आप वो जो पोटली है उसको जब आप अहोई अष्टमी की पूजा कर रही हैं शाम के तो उस समय पर अहिमी अष्टमी माता को आपको चढ़ा देना है ओम पार्वती देवी भ्याम मंत्र मंत्र बोला है ना ये मंत्र बोलते हुए आपको चढ़ा देना है उसके बाद अगले दिन आ, आपको क्या करना? वो जो पोटली है बड़ी जादुई पोटली बन जाएगी उसको अगर घर की धन की तिजोरी में रखोगे तो धन बढ़ेगा काम व्यापार स्थल में करोगे तो काम के अंदर व्यापार बढ़ जाएगा तिजोरी में रखोगे तो तिजोरी बढ़ जाएगी यानी जहां भी आप लोगों वहां पर काम में वृद्धि बाधा दूर हो जाएगी तो ये जादुई पोटली अहोई अष्टमी के दिन बनती है याद रखेगा तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही मुझे दीजिए जाए जय माता दी